A very happy morning to all of you, class 9. Today we are going to learn about the new concept, that is laws of exponents for real numbers. Okay, in the earlier standard, like from 7th standard, in 7th standard you have learned about exponents and power, there was a chapter. Okay, then in 8th standard, means from two earlier classes, you have been through exponents and powers and their rules. Okay, but you were applying them on basically the natural numbers, like you have, just refreshing the previous concept, it's just like you have the, suppose you have 2 to the power 5 multiplied by 2 to the power 7, okay, you will write it as 2 to the power 12 by using the concept that a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a to the power m plus n. This was the concept. है ना, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे रूल्स थे यूजिंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर, वेयर ए एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, है ना, आपके ये नेचुरल नंबर्स थे. लाइकवाइज आपने, लाइकवाइज यू हैव ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन, है ना, इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट थे. देन मूविंग फर्दर यू हैव, दीज वर अबाउट द नेचुरल नंबर्स. देन मूविंग फर्दर यू हैव ऑल्सो अप्लाइड दैम ऑन द रैशनल नंबर, और यू कैन से फ्रैक्शंस, लाइक इफ यू हैव 2 टू द पावर हाफ, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1 बाय 4, देन यू, और हाफ, यू कैन टेक हाफ, हाफ ही लेकर ले लो, सिंपल बना लो, ठीक है. देन यू विल हैव 2 टू द पावर हाफ प्लस हाफ. Here comes the fraction, rational numbers आ गए. Then 2 to the power half plus half, it will be 2 to the power 1, that is 2. So these are basically the laws of exponents and powers that you have learned in the earlier classes. Now moving further and in enhancing, also I must just make you remind that a to the power 0, what it was? It is 1. It means a is here any number. एनी नंबर, ओके, सो अगर किसी की भी पावर जीरो, मीन्स हाफ की भी पावर अगर जीरो होगी तो इट्स वैल्यू विल बी 1, ओके. दिस वॉज अनदर रिजल्ट फ्रॉम योर प्रीवियस स्टैंडर्ड. ऑल्सो यू हैड 1 बाय a टू द पावर n, यू हैड इट a टू द पावर माइनस n, रेसिप्रोकल होने के बाद, है ना, यू हैड इट लाइक दैट. सो दीज वर द बेसिकली द कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर प्रीवियस स्टैंडर्ड. नाउ मूविंग फर्दर एंड एनहेंसिंग द कॉन्सेप्ट and dealing with the real numbers, means rational and all the numbers, considering all the numbers, we will have the laws of exponent as follows. First, I am taking a note, just try to understand that note clearly, okay. So moving further, class 9, and basically एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को एनहेंस करना या रियल नंबर्स पर अप्लाई करना इज़ नॉट दैट मच डिफरेंट. वो आपके अर्लियर क्लासेज में जो रूल्स लॉज हैं ना, जैसे a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, वो वही रहने वाला है बेसिकली. बस इतना फ़र्क होगा कि वहाँ पर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर आपके m एंड n विल बी रियल नंबर्स, ओके, बिकॉज यू आर डीलिंग विद रियल नंबर्स नाउ. सो उसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है छोटी सी, दैट इज़ बेसिकली योर नोट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ. बस आपको इतना कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ यूज, इट विल बी यूज इन योर हायर स्टैंडर्ड, मीन्स अब ये हमेशा ही रहने वाला है, ओके. सो ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है. नाउ व्हाट आई हैव रिटन इज, वी डिफाइन nth रूट ए, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज nth रूट ए. अगर हम इसको रीड करेंगे तो इस तरीके से रीड करते हैं, मीन्स अंडर रूट में ए है और फिर बाहर n लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ nth रूट ऑफ ए. लाइक अगर आप देखें, ये जब होता है, ठीक है, रूट है सिर्फ और 2 लिखा हुआ है, तो ये आपको अंडरस्टूड होता है कि ये ना स्क्वायर रूट ही है ना, आपको अंडरस्टूड होता है कि इट इज़ स्क्वायर रूट, तो आप इसको स्क्वायर रूट नेम से बोलते हैं. अगर आपका ये लिखा हो अंडर रूट, बाहर 3, इस तरीके से लिखा देखा होगा आपने, ओके. सो आपको अब इनसे, इन वाले से आप काफ़ी फैमिलियर होने वाले हैं अब इन 9th और 10th स्टैंडर्ड एंड मूविंग फर्दर. सो अगर आपका ये लिखा है, देन यू विल रीड इट एज क्यूब रूट ऑफ ए, है ना, यू रीड इट एज क्यूब रूट ऑफ ए, इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2. लाइक अगर मैं वैसे ही ये लिख दूँ, ये भी तो पॉसिबल है ना होना, ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, इट इज़ ऑल अबाउट रियल नंबर्स. तो ये आपका पता है क्या होगा, इट विल बी योर फिफ्थ रूट ऑफ ए या फिफ्थ रूट ऑफ 2,
है ना. लाइक वाइज जब इस तरीके से हम रीड करते हैं, लाइक वाइज जब अंडर रूट ए एन है तो इट इज़ कॉल्ड एज एनथ रूट ऑफ ए. ओके, वी डिफाइन एनथ रूट ऑफ ए फॉर रियल नंबर्स ए ग्रेटर देन जीरो एज फॉलोज. कैसे? लेट ए ग्रेटर देन जीरो बी अ रियल नंबर एंड एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. जो ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, दीज आर मच मच इम्पॉर्टेंट. ओके, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा. देन तब क्या होगा आपका, देन एनथ रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी इफ अगर बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो. तो बेसिकली मैं आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इस स्टेटमेंट का मतलब दोबारा से देख लो. स्टेटमेंट एनथ रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी इफ बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो. सो बेसिकली हम बात क्या रहे, या हम ये कह सकते हैं कि एनथ रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर वन बाय एन. ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था अर्लियर. ओके, नाउ इस वाली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जस्ट टेक इट एज आपका ये है ना, दिस इज एन बेसिकली, दिस इज ओके. तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए टू द पावर वन बाय एन इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना. तो अब इक्वल्स टू के दोनों साइड जैसे हम किसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वैसे ही आप पावर में एन की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. यू कैन डू दैट. ओके, इट इज़ जस्टिफिएबल. सो पावर में एन की मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो ए टू द पावर वन बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एन, दोनों साइड होगी जब आपने मल्टीप्लीकेशन की. ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इट कम्स टू बी, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एन. ये आ गया आपका, हो गया ना यही, दैट बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो. यही रिजल्ट निकाल लिया ना आपने, ठीक है. मतलब अगर ये है ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको. अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेती हूँ. लाइक आप समझ लीजिए, एन एन की वैल्यू ले लीजिए, एन की वैल्यू आपने थ्री ले ली, ठीक है. ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर वन बाय थ्री ईजिली. इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, फिर से थ्री की मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो ए थ्री से थ्री कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है ना. इट मींस बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो ये हो रहा है कि जो आपका ए टू द पावर, जब ये nth रूट होता है ना, ये nth रूट होता है तो इट इज़ बेसिकली ए टू द पावर वन बाय एन, ये होता है. इसका मतलब ना ये होता है nth रूट ऑफ ए का, ए टू द पावर वन बाय एन. और जब इसका मतलब ये होता है ना, तो जब ये आपका बी के लिए आप इसको यूज़ करते हैं ना, लाइक और आपको आप इसको b के इक्वल रखते हैं, तो अगर इन द फॉर्म ऑफ a के, a से आप अगर पावर हटाना चाहते हैं ना, समझ लीजिए a के साथ पावर है ना, इधर फ्रैक्शन में पावर है ना, तो आप फ्रैक्शन की ये पावर जो है हटाना चाहते हैं ना, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, b के साथ ना वो पावर का ना रेसिप्रोकल हो जाता है डायरेक्टली. मीन्स वन बाय एन का रेसिप्रोकल क्या होगा, n. ये इसका शॉर्ट है, ठीक है. मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इससे आपको ये ट्रिक टाइप भी नहीं कह सकते इसको, बट इट इज़ जस्ट अ क्विक ऑब्जर्वेंस कि ये हो क्या रहा है, पावर का रेसिप्रोकल हो रहा है. इट मीन्स अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना टू टू द पावर वन बाय फोर तो इज इक्वल्स टू बी, तो इट मीन्स टू इज इक्वल्स टू बी टू द पावर फोर, समझे. सो इट इज बेसिकली दैट. जैसे अगर लिखा है ए, हाँ ये मैंने आपको लिया एग्जाम्पल, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है. जस्ट रिपीट द वीडियो, यू विल able to understand very clearly. Okay, I have explained it in very detail. So moving further, just taking another example about this, to hum is concept ko use kaise karne wale hain. Like taking example, like you have 4 to the power 2 by 3, you have this. Okay, 4 to the power 2 by 3, ab isko aap kaise likh sakte hain, 4 to the power half, sorry, 4 टू द पावर 1 बाय 3 2 लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, सो जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फॉर द अबव कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव 4 टू द पावर 3 बाय 2, ओके, यू कैन राइट इट एज 4 टू द पावर हाफ क्यूब, ठीक है ना. ऐसे लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ही होनी है ना दोनों पावर्स की, तो हाफ को हाफ, थ्री बाय टू को हाफ, और फिर ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, इट इज़ थ्री बाय टू, है ना.
इसको आप लिखने के बाद अब 4 को आप लिख सकते हैं अगेन यूजिंग एक्सपोनेंट 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर लिखा इसको, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी हाफ की रहेगी और ये बाहर ब्रैकेट के क्यूब चल रहा है, लिख सकती हूँ। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 2 क्यूब, और ये क्या आ गया 8, ठीक है। नाउ इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 4 क्यूब बाहर 1/2, ठीक है ना, होगा क्या 3 की मल्टीप्लिकेशन ही होगी ना 1/2 के साथ, 3/2 ही होना है ना, ठीक। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, अब ऐसे लिख लिया तो 4 क्यूब 64 हो गया, बाहर हाफ चलेगा, 64 क्या हो गया 8 का स्क्वायर, बाहर हाफ चल रहा है, और ये क्या हो गया 8 स्क्वायर हाफ, एंड इट विल बी योर 8, अगेन 8। सो इट इज़ बेसिकली ऑफ दिस एक्सपोनेंट एंड द पावर द रियल नंबर, ठीक है, कि मैं इसको इन तरीक़ों से लिख सकती हूँ बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट जो आपने अभी सीखा है, ठीक है ना। ए टू द पावर nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू b टू द पावर n, उसका यूज़ भी यहाँ पर हुआ है। लाइक अगर आपके पास ये है, ठीक है, इससे भी देयरफॉर वी कैन हैव द अनदर डेफिनेशन फॉर दिस, हम इसके लिए एक और डेफिनेशन हमारे पास हो सकती है, दैट इज, ठीक है, इसके लिए नोट, इस वाले एग्जाम्पल के लिए आपका नोट जो होगा, दैट इज लेट a ग्रेटर देन 0, बी अ रियल नंबर, सो द क्लास योर नोट इज लेट a इज ग्रेटर देन 0, बी अ रियल नंबर, एंड लेट m एंड n बी इंटीजर्स such that m and n have no common factor other than 1, and n is greater than 0, then a to the power m by n is equals to either nth root of a whole to the power m, or that can be equals to a to the power m ka nth root, okay, nth root of a to the power m. So it means aapne ye case solve kiya abhi above example mein, aur ye case bhi solve kiya, and both the cases mein equal answer aaya, therefore we are having an equal here. ओके, लाइक 4, अगर आप m को 3 लें, n को 2 लें, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 4 का nth रूट लिया, होल टू द पावर m किया, 8 आया, और यहाँ पर आपने 4 का 4 अकॉर्डिंग टू a टू द पावर m आपने 4 क्यूब किया, ठीक है ना, a टू द पावर m किया, और फिर उसका nth रूट ले लिया जो स्क्वायर रूट, बिकॉज बेसिकली जो अगर आप इसको एक व्यू में ये देखें इग्नोरिंग द 3, 4 टू द पावर हाफ है ना, और ये है क्या बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 4 ना, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू a टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a. सो दिस इज बेसिकली दीज थ्री कॉन्सेप्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, और ये एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. जस्ट वॉच द वीडियो बाय रिपीटिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईजिली. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, देर आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एंड दीज आर laws of exponent that you will be going to use in your exercise 1.6, and these are very much familiar to you, but here the condition is that where a is greater than 0 and p and q are rational numbers, because you are dealing with the real numbers now. Okay, so write down these laws in your copy and in your notebook, and solve the exercise 1.6 where there are just the powers, exponents and powers are just, and you have to use powers and just the concept that I have explained you now. Okay, so complete the exercise 1.6. In case you have any doubt, let me know in Google Classroom, and be ready for some quizzes, and there will be test also in the Google Classroom, and I need 100% participation from your class. Be aware of that. Okay, so thank you class for watching, and for subscribing my channel and for liking my videos. So stay happy, stay safe, and enjoy learning. Thank you class.